नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। मेरा नाम है कुलदीप सिंह। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बिल्डिंग ट्रेड के बारे में। आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मैं बिल्डिंग ट्रेड का पूरे वर्ष का सिलेबस बता चुका हूं। इससे पहली वाली क्लास में मैं पूरा सिलेबस बताया हूं। आज से मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा। आज की क्लास होगी चैप्टर नंबर फर्स्ट। पहले मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी MCQs कराऊंगा। हर एक चैप्टर के मैं कम से कम 200 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव वाले, ताकि आपकी ITI के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी हो जाए और आप ITI पास आउट करने के बाद आपको घर में न बैठना पड़े, आप किसी भी जॉब को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आज का चैप्टर है अध्याय फर्स्ट यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट, ट्रेड परिचय एवं सुरक्षा सावधानियाँ। आज का चैप्टर क्या है? ट्रेड परिचय एवं सुरक्षा सावधानियाँ। जब आप लोग किसी से मिलते हैं तो पहले उसका क्या करते हैं? परिचय यानी इंट्रोडक्शन होता है। उसी तरह बिल्डिंग ट्रेड के बारे में पहले आपको परिचय कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे आप लोगों को बिल्डिंग ट्रेड है क्या। उसके बाद उस ट्रेड में हमको कौन कौन सी सुरक्षा एवं सावधानियाँ रखनी है, कौन कौन सी सुरक्षा अपनानी है और कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो पहला क्या है? परिचय यानी इंट्रोडक्शन। बिल्डिंग होती क्या है? आप लोग सभी लोग मार्केट में गए होंगे, देखे होंगे बिल्डिंग क्या होती है। जब हमारे घर में कोई सामान टूट जाता है, खासकर लोहे का सामान टूट जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको बिल्डर के यहाँ ले जाते हैं बिल्डिंग करवाने के लिए। आप लोग देखे होंगे एक राड की मदद से और करंट की मदद से वो क्या करता है, दोनों पॉइंट को गर्म करके उसमें कुछ मेटल फिल कर देता है, तो हमारे दोनों लोहे के जो टुकड़े होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। यही होती है बिल्डिंग। ठीक है, लेकिन केवल बिल्डिंग इतनी ही नहीं है, बिल्डिंग का बहुत बड़ा चैप्टर होता है। बिल्डिंग बहुत टाइप की होती है और हर एक मेटल यानी हर एक धातु हर एक चीज़ की अलग अलग तरह से बिल्डिंग की जाती है और अलग अलग सबके तरीके होते हैं। इस ट्रेड में यानी बिल्डर ट्रेड में हम इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। बिल्डिंग कितने प्रकार की होती है, कौन से मेटल में कौन सी बिल्डिंग करनी चाहिए और कैसी करनी चाहिए, एक्सेट्रा बहुत सारा इसमें है। ठीक है, बिल्डिंग ट्रेड प्रशिक्षण की महत्ता यानी जब आप बिल्डिंग से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, महत्ता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है दोस्तों? व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए NCVT के अंतर्गत दो प्रमुख कार्यक्रम CTS के अंतर्गत बिल्डर ट्रेड ITI के माध्यम से पैन इंडिया में चल रहे सबसे ये क्या है, बिल्डर ट्रेड छोटा मोटा ट्रेड नहीं है, एक बहुत ही लोकप्रिय ट्रेड माना जाता है बिल्डर ट्रेड। इसकी उपयोगिता हर जगह होती है, आप किसी भी फैक्ट्री में जाओगे, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, हर जगह बिल्डिंग ट्रेड की महत्ता होती है यानी बिल्डर की ज़रूरत होती है। ठीक है, ट्रेड प्रशिक्षण और आप प्रशिक्षण क्यों देते हैं, इसकी बिल्डिंग की ट्रेनिंग क्यों देते हैं? ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि आप एक कुशल कारीगर हो जाओ, नौसिखिया कारीगर न रहो। कोई भी कार्य है यदि उसको ट्रेंड इम्प्लाई करता है यानी कुशल कारीगर करता है तो उसकी क्वालिटी अलग होती है, और यदि आप नए कोई कारीगर करता है बिना सीखा हुआ कारीगर करता है तो उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब होती है। इसलिए इसकी क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, हर एक ट्रेड की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप एक बिल्कुल कुशल कारीगर बन जाओ। ठीक है, प्रशिक्षण के पश्चात आजीविका के मार्ग। अब अगली बात क्या आती है कि चलिए ठीक है मैं ITI कर लिया बिल्डर ट्रेड से, उसके बाद मैं आगे क्या करूँगा। इसमें बताया गया है आपको कि प्रशिक्षण के बाद आप आजीविका यानी रोजी रोटी का काम क्या है, क्या कर सकते हैं। तो हम बिल्डर ट्रेड से ITI करने के बाद बिल्डर ट्रेड से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जाकर जॉब कर सकते हैं या खुद की भी जॉब खोल सकते हैं, कोई एक दुकान खोल सकते हैं बिल्डिंग ट्रेड की, जिसमें भी बहुत सारी अपनी इनकम हो जाती है। यदि आप एक कुशल कारीगर हो तो आप प्राइवेट अपनी खुद की शॉप खोल के भी बहुत सारी अर्निंग कर सकते हो, और गवर्नमेंट में भी वैकेंसी निकल समय समय पर गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती रहती है, आप उसमें उसका फॉर्म फिल कर सकते हो और उसमें उसका टेस्ट पास करके आप गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो ट्रेनिंग में आपको टीचर पढ़ाता है उसको हम इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, 10वीं तक या 12वीं जो स्कूल में पढ़ाता है वो टीचर होता है, लेकिन जो ITI में पढ़ाता है तो एक्चुअली पढ़ाता नहीं है, मुझे ट्रेनिंग देता है, इसलिए उसको इंस्ट्रक्टर बोला जाता है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत सारी वैकेंसी निकलती है समय समय पर इंस्ट्रक्टर की, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ITI करने के बाद, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हो। ठीक है, वहाँ पर हम गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। संस्थान में सामान्य अनुशासन,
डिसिप्लिन हमारे जीवन में का बहुत अभिन्न अंग होना चाहिए। डिसिप्लिन हर एक चीज़ में ज़रूरी है, चाहे कोई कार्य हो, घर में रहना हो, पढ़ना हो, हर चीज़ में डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस है, डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। इसी तरह जब हम ट्रेनिंग करते हैं या ट्रेनिंग के बाद जब जॉब करते हैं वहाँ भी डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो जो हमको ट्रेनिंग कराने वाले इंस्ट्रक्टर हैं, हेड इंस्ट्रक्टर हैं या इंस्ट्रक्टर के साथ साथ और भी जो टीचर या इंस्ट्रक्टर हैं, उन सबको हमको सम्मान करना चाहिए, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपने प्रशिक्षण से संबंधित किसी भी विषय अथवा स्पष्टीकरण पर व्यर्थ की बहस नहीं करनी चाहिए, यानी किसी भी एक टॉपिक को पकड़कर हमको उसको कम से कम 1 से 2 घंटे तक फालतू बहस नहीं करनी चाहिए, उससे हमारा समय बर्बाद होता है और उससे हमको मिलता कुछ नहीं है, ठीक है। संस्थान में अपने मित्रों से व्यर्थ की बातचीत तथा गतिविधियों में अपना बहुमूल्य समय नष्ट करना करें, यानी जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं साथ में, उनसे किसी भी टॉपिक में ज़्यादा बात करके या उनके साथ घूम फिर के अन्य गतिविधियाँ कुछ भी करके अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हमारा फोकस ट्रेनिंग में होना चाहिए। यदि हम ITI जाते हैं, वहाँ कुछ सीखने जाते हैं, तो हमारा मुख्य फोकस उसको सीखना होना चाहिए, न कि फालतू के क्रियाकलापों में नहीं होना चाहिए। थ्योरी तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं के दौरान देरी से न पहुँचें, यानी जब आपकी क्लासेस चल रही हों उसको हमको समय से अटेंड करना चाहिए। लेट आदि पहुँचोगे तो कोई न कोई टॉपिक आपसे मिस हो जाएगा। तथा क्या है, थ्योरी तथा प्रयोगात्मक सचेत रहें तथा लेक्चर को हमको क्लास में टाइम से पहुँचना है, साथ साथ वहाँ पर क्या करना है, अलर्ट मूड पर रहना है, यानी ध्यान से हमको उसको सीखना भी है। ऐसा नहीं कि हम केवल पहुँच के अपना शरीर यानी खाना पूर्ति नहीं करनी है, वहाँ पर हमको पूरा ध्यान से सीखना है कि जो ट्रेनर बता रहा है, जो सिखा रहा है, उसी पे हमको ध्यान देना चाहिए। प्रशिक्षक तथा अन्य प्रशिक्षक कर्मचारी वर्ग का सम्मान करें। प्रशिक्षण के दौरान शोर अथवा व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए, हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह के रोक टाक करने से बचना चाहिए। अपने विषय के अतिरिक्त संस्थान से कोई सामग्री ना लें, यानी जो आपके काम की चीज़ें नहीं हैं, आपके ट्रेड से संबंधित नहीं है, उन चीज़ों को हमको टच नहीं करना चाहिए, नहीं छूना चाहिए, अपने साथ घर नहीं ले जाना चाहिए। संस्थान में सदैव अच्छी वेशभूषा के साथ आएँ। अच्छी वेशभूषा का मतलब होता है ये नहीं कि महंगे कपड़े पहन के आएँ, सस्ते कपड़े हों लेकिन साफ़ सुथरे होने चाहिए, फटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सिले हुए कपड़े होने चाहिए। यदि आपका यूनिफॉर्म डिसाइड वहाँ पर क्लियर है कि ये यूनिफॉर्म पहन के आना है तो उनको वही यूनिफॉर्म पहन के जाना चाहिए। इसके साथ साथ हमको क्या करना है, कक्षा यानी जो आपकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, कार्यशाला यानी वर्कशॉप जहाँ को ट्रेनिंग दी जाएगी की, और अपनी सबकी साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान रखना है, मशीन की साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे हमको कोई गलत गतिविधियाँ नहीं करनी है। प्रैक्टिकल के समय अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा भी ध्यान रखना। जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वो प्रैक्टिकल होता है, उसमें अपनी सुरक्षा को तो ध्यान में रखना ही है, लेकिन जो साथ में जो हमको ट्रेनिंग कर दे रहा है इंस्ट्रक्टर है और जो हमारे साथ और ट्रेनिंग ले रहे हैं, सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल हम अपनी सुरक्षा देख लें, बाकी किसको क्या हो रहा है हमको मतलब नहीं है, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हमको अपनी सुरक्षा के साथ साथ सभी की सुरक्षा को इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। उद्योगों में बेल्डिंग का महत्व, जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें बिल्डिंग का क्या महत्व है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। बिल्डिंग 2 समान अथवा असमान धातुओं को निश्चित तापक्रम के अंतर्गत गर्म करके दाब अथवा बिना दाब की सहायता से और पूरक पदार्थ बिना पूरक पदार्थ की सहायता से स्थायी रूप से जोड़ने का प्रक्रम है। बताया गया है बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग 2 समान धातु या अलग अलग तरह की धातुओं को भी जोड़ सकती है, दाब से जोड़ सकती है, बिना दाब के भी जोड़ सकती है। पूरक वस्तुओं मतलब क्या होता है, कोई अलग से हमको उसमें मेटल डालना है कि नहीं डालना है, दोनों मेथड से बिल्डिंग होती है, तरह तरह की बिल्डिंग होती है, वो जो आपको अगले क्लासेस में पढ़ाई जाएगी। बिल्डिंग जोड़ क्या होता है, बिल्डिंग जोड़ 100% बिल्डिंग जोड़ की क्या होती है, दक्षता क्या होती है, 100% अन्य जोड़ों की अपेक्षा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ हम दो पार्टों को जोड़ने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, फेविक्विक से यानी किसी फेवी गम से हम चिपका सकते हैं, नट बोल्ट से टाइट कर सकते हैं, स्क्रूज कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, सिल सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबकी दक्षता 70% होती है, नहीं वो सब उनका जो जोड़ होता है कमज़ोर होता है 70% तक ही होता है, लेकिन बिल्डिंग की दक्षता यानी बिल्डिंग से द्वारा किया गया जोड़ की मजबूती 100% होती है, ठीक है। वर्तमान युग में सभी उद्योगों में, लगभग सभी उद्योगों में बिल्डिंग का प्रयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। औद्योगिक संस्थानों में प्रयुक्त किए जाने वाली मशीनों पर निरंतर कार्य करते रहने के कारण इसमें टूट फूट होती रहती है। कोई भी मशीन है, जब आप उसमें कंटिन्यू काम करोगे कुछ न कुछ उसके पार्ट घिसेंगे, टूटेंगे, तो वहाँ पर रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्डिंग का सहारा लेते हैं, ठीक है। मशीन निर्माण उद्योग, जहाँ मशीनें बनती हैं वहाँ पर बिल्डिंग का यूज होता है, जैसे लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, सेपर मशीन आदि का निर्माण कर रहे हैं, तो वहाँ पर विभिन्न पार्टों को जोड़ने के लिए हम बिल्डिंग का प्रयोग करते हैं।
ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑटोमोबाइल यानी जहाँ आपकी व्हीकल बनती, गाड़ियाँ बनती हैं, वहाँ पर बिल्डिंग का बहुत उपयोग होता है। उसके चेसिस में, इंजन में, व्हीकल साइलेंसर आदि जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, बिल्डिंग का उपयोग किया जाता है। बिल्डिंग का क्यों किया जाता है, क्योंकि बिल्डिंग की जोड़ सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग यानी घर और जब बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर जब तैयार करते हैं, उसका बेस कॉलोनी, कॉलमों की जब बेस तैयार करते हैं, उसमें प्लेटों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, बिल्डिंग का यूज करना पड़ता है। ठीक है, बर्तन निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग में भी बिल्डिंग का यूज होता है। जैसे आप लोग अपने घरों में देखे होंगे, जग होता है, मग होता है, उसमें हैंडल लगा होता है। हैंडल कैसे लगाते हैं, उसमें हैंडल को बिल्डिंग करके उस जग में हैंडल को फिट करते हैं। ठीक, यानी हमारा बर्तन के उद्योगों में भी बिल्डिंग का यूज होता है। एरोनॉटिकल यानी जहाँ हवाई जहाज वगैरह बनती हैं, वहाँ भी बिल्डिंग का यूज होता है। उसके तेल टैंकरों को लगाने में, बहुत सारे पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए बिल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष उद्योग हो गया, ठीक, जहाँ सेटेलाइट वगैरह बनती है, रॉकेट वगैरह बनता है, वहाँ भी पार्टों को आपस में जोड़ने के लिए बिल्डिंग यूज होती है। रेल उद्योग हो गया, यानी ट्रेन में हो गई, ट्रेन में आप लोग तो खुद ही सफ़र किए होंगे, देखे होंगे, अलग अलग पार्ट जुड़े होते हैं, वो सब किससे जुड़ते हैं, बिल्डिंग के से जोड़ा जाता है, ताकि ये बिल्कुल मजबूत रहे। फास्टनर के माध्यम से नहीं जोड़ा जाता, यानी नट बोल्ट वगैरह के माध्यम से कम से कम जोड़ने की कोशिश की जाती है। अधिकांश कोशिश ही रहती है, खासकर जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उनको बिल्डिंग के माध्यम से ही जोड़ा जाता है। विद्युत सप्लाई में, विद्युत सप्लाई के लिए जो ट्रांसमिशन के टावर होते हैं, बड़े बड़े टावर होते हैं, सब किससे जुड़े होते हैं, बिल्डिंग के माध्यम से जुड़े होते हैं। जहाज़ उद्योग यानी जल जहाज जो होती है, वहाँ पर भी जहाज हो गई, पनडुब्बी हो गई आदि की जोड़ को मजबूती प्रदान करने के लिए बिल्डिंग की जाती है। खनिज उद्योग हो गया, यानी जहाँ कोयला खनन होता है, लोहे का खनन होता है, वहाँ खनिज उद्योग है, वहाँ पर भी बिल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। पुराने ढांचों को उखाड़ने में, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग का उपयोग केवल हम जोड़ने के लिए करते हैं, बिल्डिंग का उपयोग उखाड़ने के लिए किया जाता है। उखाड़ने के लिए क्या करते हैं, हम उस पार्ट को अत्यधिक गर्म करते हैं तो वह पार्ट पिघल के टूट जाता है। यानी बिल्डिंग का प्रयोग हम जोड़ने के साथ साथ किसी चीज़ को काटने या उखाड़ने के लिए भी कर सकते हैं। पुरानी इमारत हो गई, पुराने फिक्चर डाई हो गए, उनको उखाड़ने के लिए क्या करते हैं, हम तोड़ने के लिए क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक गैस बिल्डिंग मशीन के द्वारा क्या करते हैं, कटाई करते हैं। पुराने पुल हो गए, कारखाने हो गए, इनको उखाड़ने के लिए हम बिल्डिंग का प्रयोग करते हैं। डाई तथा फिक्चर बनाने में होता है। सैनिक सामग्री यानी हमारी फौज के लिए जो आइटम बनते हैं, रक्षा सामग्री बनते हैं, जैसे क्या हो गया, आपका तोप हो गया, जेट इंजन हो गया, बम हो गया, लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट वगैरह हो गए, हर जगह बिल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। फर्नीचर बनाने का खानों में प्रयोग होता है। भारी उद्योग जैसे आटा मिल, शुगर मिल, कपड़ा मिल, हर एक कारखाने में बिल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। अन्य उद्योगों में यानी इससे हम क्या सीखते हैं, इससे हमको यह पता चलता है कि बिल्डिंग एक ऐसा कार्य क्रियाकलाप है, बिल्डिंग जिसका हर एक फैक्ट्री में यूज होता है, चाहे वो कोई भी फैक्ट्री हो, लगभग सभी फैक्ट्रियों में बिल्डिंग का यूज किया जाता है। बिल्डिंग का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके बिल्डिंग द्वारा किया गया जोड़ 100% मजबूत होता है। 100% मजबूत होने का मतलब है, जिस दो मेटल को हम जोड़ रहे हैं, जितना मजबूत वो पहले था, जोड़ने के बाद भी उतना ही मजबूत रहेगा। यानी जहाँ पर जोड़ है वो अन्य पार्ट की अपेक्षा वहाँ पर कमज़ोर नहीं होगा, 100% रहेगा। यानी जितना अन्य पार्ट मजबूत है, उतना पार्ट वहाँ जोड़ पर भी वो रहेगा। ठीक है, सुरक्षा ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने जान के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सुरक्षा हो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इसके बारे में न पूछा गया हो। इससे एक या दो क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं, या ITI से रिलेटेड कंपटीशन है उसमें पूछे जा रहे हैं, और जो आपका ITI एग्जाम हो रहा है उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं सुरक्षा से। क्यों? क्योंकि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, जान है तो जहान है, इसलिए सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी टॉपिक होता है। इसको ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, ऐसा नहीं कि इसको हवाई पढ़ना है, सुरक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, सुरक्षा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वयं की सुरक्षा, औजार यंत्रों एवं मशीनों की सुरक्षा, एवं कार्यखंड की सुरक्षा। स्वयं की सुरक्षा से आप लोग पढ़ के जान के होंगे, स्वयं की सुरक्षा मतलब खुद की सुरक्षा करना। उसके बाद किसकी सुरक्षा करना है, जिस टूल से, जिस औजार का हम उपयोग कर रहे हैं उसकी भी सुरक्षा को हमको ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि कोई एम्प्लायर लिए, कोई हथौड़ा लिए, या कोई कुछ भी लिए, बिल्डिंग राड लिए, उसको यूज़ करने के बाद इधर उधर फेंक दें, तोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। हर चीज़ की सुरक्षा करनी चाहिए। कार्यखंड की सुरक्षा यानी जिस पार्ट को हम जोड़ रहे हैं उनको भी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, पढ़ेंगे स्वयं की सुरक्षा कैसे की जाती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
स्वयं की सुरक्षा करने के लिए क्या होता है, स्वयं की सुरक्षा यदि हम करेंगे तो दुर्घटना से बचे रहेंगे, चोट से बचे रहेंगे और अपनी ज़िंदगी बची रहेगी। जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो हम अपना आगे काम कर सकते हैं, नहीं तो यदि हम चोटिल हो जाएंगे या कुछ भी हो जाता है, विकलांग हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है तो हम काम नहीं कर सकते। इसलिए सबसे ज़रूरी है क्या होता है, पहले आप खुद की सुरक्षा करनी चाहिए। खुद की सुरक्षा करने के लिए कुछ टॉपिक है आपके पास, जैसे कार्यशाला में सदैव बूट पहनकर चलना चाहिए। हमें क्या है, हमेशा बूट यानी जूते एक तरह के आते हैं, फैक्ट्री में अलग तरह के जूते मिलते हैं जिसकी सोल यानी नीचे वाला तलवा बहुत ही मजबूत होता है और थोड़ा सा वुडी साइड भी क्या होता है। मैं अगली क्लास में आप लोगों की कोशिश करूँगा कि पिक्चर के माध्यम से हर चीज़ समझाऊँ। इस क्लास में पिक्चर नहीं, इसमें वो पिक्चर अपने PDF में नहीं डाल पाया था, लेकिन अगली क्लासेस में मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं सभी चीज़ों की पिक्चर डाल डाल के आप लोगों को हर चीज़ दिखाऊं और समझाऊं। ठीक है, मैं इस क्लास की भी PDF को फिक्स उसमें इमेज दिखाऊंगा कि किस तरह के जूते वहाँ पे मिलते हैं। तो जूता क्या होता है, बहुत ही मजबूत जूता होता है, तुमको जूते पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए, ताकि लोहे की जो छीलन वगैरह होती है तो हमारे पैर में, यदि हम नॉर्मल जूते पहनेंगे तो चुभ जाएगी, उस वाले जूते की क्वालिटी होती है उसमें छीलन वगैरह नहीं चुभ सकती है। ठीक है, स्टील का बूट होता है, क्या होता है उसमें स्टील लगी होती है, लोहे की पतली सी परत लगी होती है जो उसको मजबूती प्रदान करती है। ठीक, मशीन पर कार्य करते समय किसी दूसरी कार्य के साथ, जब हम किसी मशीन पर कार्य कर रहे हैं तो हमको किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, दूसरे कार्य के साथ बात नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा ध्यान भटक जाता है और हमसे कुछ न कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिससे हम घायल हो सकते हैं, हमको चोट लग सकती है। ठीक है, आप अपना ध्यान कार्य पर लगाएं। ठीक है, किसी भी मशीन की जानकारी प्राप्त किए बिना, जिस मशीन के बारे में आप नहीं जानते हो उस मशीन को हमको नहीं चलाना चाहिए। जिस मशीन के बारे में आप प्रॉपर पूरी जानकारी रखते हो उसी मशीन को हमको ऑपरेट करना चाहिए। जिस मशीन के बारे में आप नहीं जानते हो उसे ऑपरेट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें दुर्घटना का भय बना रहता है और हम अपनी जान तक गंवा सकते हैं। ठीक है, किसी चलती मशीन के साथ छेड़खानी करना दुर्घटना को ही बुलावा देना है। यदि कोई मशीन चल रही है तो उसके पास हमको बिल्कुल ध्यानपूर्वक वहाँ पर जाना चाहिए, लापरवाही के साथ वहाँ उसके पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चलती हुई मशीन के सभी पुर्जे चलते रहते हैं। कभी मेरा कपड़ा फंस गया उसके बेल्ट में, कुछ भी हाथ फंस गया तो क्या हो सकता है, हमको चोट लग सकती है। इसलिए हमको चलती हुई मशीन के पास हमेशा अलर्ट मूड पर रहना चाहिए, लापरवाही के साथ उसके आसपास नहीं घूमना चाहिए, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, यानी चलती हुई मशीन को सर ना खोलना चाहिए ना उसको बंद करना चाहिए, उसके पार्ट्स को ना खोलना चाहिए ना बंद करना चाहिए। किसी चलती मशीन के पास यदि खड़े होकर कार्य करना हो तो चलती हुई मशीन पर सुरक्षा गार्ड अवश्य लगाएं। मशीन के पास या चलती हुई मशीन के पास आपको कार्य करना ही है, ऐसा ही वो वहाँ पर चल रहा है, मतलब ज़रूरी है, तो उसमें बहुत सारे सुरक्षा गार्ड्स होते हैं, जैसे बेल्ट के ऊपर एक सुरक्षा गार्ड होता है, व्हील्स के ऊपर सुरक्षा गार्ड होते हैं, तो हमको देख के वहाँ पर काम करने चाहिए कि सभी गार्ड्स हैं कि नहीं हैं। यदि गार्ड्स नहीं है तो हमको पहले सुरक्षा गार्ड्स लगाने चाहिए, उसके बाद ही उसका उसमें काम करना चाहिए। यदि कोई भी कारीगर किसी ऊपरी स्थान पर कार्य कर रहा है, कोई कारीगर क्या है, फर्श से ऊपर यानी कहीं पर चढ़ के लिफ्ट में या किसी सीढ़ी में कुछ भी ऊपर है यानी फ्लोर छोड़ के काम कर रहा है, तो उसको क्या करना है, हर टूल को मजबूती से पकड़ कर कार्य करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके हाथ में जो है उसको ढीला पकड़ेगा, छूटेगा तो जो नीचे व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके सिर में लग गिर के उसको चोट कर सकता है। इसलिए उसे अपने हर एक टूल्स को मजबूती से पकड़ना चाहिए, स्पैनर, हैमर, चीजल, कुछ कोई भी टूल्स है उसको, ताकि वो नीचे न गिरे और नीचे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, व्यक्ति काम कर रहे हैं, कारीगर काम कर रहे हैं, वो चोटिल होने से बच जाएं। ठीक है, चलती हुई मशीन में तेल देते समय तेल कुप्पी का प्रयोग करना चाहिए। कोई मशीन है उसको चलते समय उसमें तेल आयलिंग करनी है, उसको चिकना करने के लिए उसमें आयलिंग करनी है, तो क्या करना चाहिए, हमको तेल कुप्पी का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या है, हमारी और मशीन की डिस्टेंस बराबर बनी रहेगी, हमको उसके ज़्यादा पास में नहीं जाना पड़ेगा। यदि हम तेल कुप्पी का उपयोग नहीं करेंगे तो हमको ज़्यादा ध्यान से डालना पड़ेगा और हमारा ध्यान उधर चला जाएगा तो हमारा हाथ या कपड़ा कहीं और फंस सकता है। किसी भी मशीन से निकलने वाले लोहे के छीलन को हाथ से कभी नहीं साफ करना चाहिए, इससे हमारे हाथ में चीरा लग सकता है। उसके लिए क्या होता है, ग्लव्स आते हैं या बहुत सारे टूल्स आते हैं उसको हटाने के लिए, खाली हाथ से हमको उसको नहीं हटाना चाहिए। किसी भी बाहरी व्यक्ति को कार्यशाला में पहली बात तो घुमाना ही नहीं चाहिए, यदि किसी कारण उसको घुमाना ज़रूरी है तो हमको उसको मशीन के बारे में बता देना चाहिए कि मशीन से ये खतरे हैं तो इससे बच के रहना है, इस फैक्ट्रीज के ये रूल हैं, इनसे हमको फॉलो करना है। ठीक है, कभी भी चलती हुई मशीन की मरम्मत नहीं करनी है, यानी मशीन जो चालू हालत में है उसका हमको मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं करना है, इससे हमको चोट लग सकती है। पहले हम मशीन को प्रॉपर बंद करेंगे, उसका स्विच ऑफ करेंगे, ठीक, उसके बाद ही मशीन को खोलना चाहिए, उसकी मरम्मत करनी चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए।
अधिक भारी सामान को ध्यानपूर्वक उठाना चाहिए क्योंकि लापरवाही आने के कारण मोच या अन्य दुर्घटना की संभावना रहती है। यदि कोई ज़्यादा भारी सामान है तो उसको हमको ध्यान से उठाना चाहिए। ध्यान से उठाने का मतलब क्या है? ध्यान से उठाने का मतलब ये है कि उसको पहले हमको चेक करना है इसको उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। यदि हम उठा सकते हैं तो इसको हम उठा के कहाँ ले जाएंगे? हमारा रास्ता साफ है कि नहीं साफ है? ऐसा नहीं कि हम लेके चल रहे हैं और कहीं लड़खड़ा के गिर जाएं। और बहुत सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। हमको कैसे उठाना है, इन सब का तरीका होता है जो अगली क्लासेस में आपको बताऊंगा कि भारी सामान को उठाने के तरीके क्या होते हैं। प्रयोग में आने वाले हस्त औजारों को उचित स्थान पर रखें जिससे उनके गिरने पर चोट लगने की संभावना न रहें। यानी जो भी टूल्स आप यूज कर रहे हैं उनको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए कि कहीं भी रख दो, कोई दूसरा कारीगर जाए या आप दोबारा जाओ तो आपके ऊपर गिर जाए, यानी आपके पैर में गिर जाए, हाथ में गिर जाए, आप चोटिल हो जाओ। इसलिए सबका एक प्रॉपर स्थान होना चाहिए कि यहाँ पर हम रखेंगे, ये चीज़ यहाँ पर रहेगी तो या किसी के ऊपर नहीं गिरेगी और हमको दोबारा आराम से मिल जाएगी। ठीक है, ये सुरक्षा, ये स्वयं की सुरक्षा हो गई। कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा औजारों की सुरक्षा और वर्कशॉप की सुरक्षा यानी कारखंड की सुरक्षा पढ़ाऊँगा। उसके अलावा सुरक्षा मानकों को बताऊँगा कि सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, उनकी साइन क्या होती है, सिंबल क्या होते हैं यानी चिन्ह क्या होते हैं, किस चिन्ह का क्या मतलब होता है और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ये चैप्टर आपको हवा हवाई नहीं लेना है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से भी, आपके दृष्टि से भी। ठीक है दोस्तों, ये आज की पहली क्लास थी तो थोड़ा सा छोटी क्लास थी। अगली क्लास में मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा विथ फिगर्स यानी चित्रों के साथ में पूरी कोशिश करूँगा। जब इस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब मैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊँगा, MCQ कराऊँगा। लगभग 200 क्वेश्चन में करवाने की कोशिश करूँगा। ऐसा हर एक क्वेश्चन करवाऊँगा जो किसी कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं या ITI में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, इसी चैप्टर की अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।